नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पहले से पता था कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही होगा? और क्या यूपी पुलिस भी पहले से तय कर चुकी कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही करना है? यह सवाल सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में उठा। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान एनकाउंटर के फर्जी होने की तस्दीक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बयानों की सच्चाई का पता लगाने के साथ ही यह भी पता लगाने को कहा है कि आखिर इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद विकास दुबे जेल से बाहर कैसे था। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उस उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। क्या पुलिस, क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, सबके इन बोल को अब तोल मोल के देखा जाने वाला है। देखा जाने वाला है कि विकास दुबे के क्लाइमेक्स की पटकथा इन लोगों ने कहीं पहले ही तो नहीं लिख दी थी। जी हाँ, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरा चेक कीजिए कि अगर इन लोगों ने ऐसा बयान दिया है और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है तो फिर इस पहलू से भी विकास दुबे के एनकाउंटर को देखना होगा। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई थी। उन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस से जवाब तलब किया। जवाब आने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। तो पहले यूपी एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस का जवाब जान लेते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था, बल्कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। यूपी सरकार के दावे के मुताबिक विकास दुबे पुलिस पर हमला करना चाहता था और आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, लिहाजा जवाबी गोली चलाना पुलिस के लिए एकमात्र विकल्प बचा था, क्योंकि विकास दुबे का पुलिस वालों की हत्या करने और भागने का इरादा था, जैसा कि उसने 2-3 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद किया था। यूपी सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उसे उज्जैन पुलिस ने हिरासत में लिया था। यूपी सरकार ने आगे कहा कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जा रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है। एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित किया, जो कि एनकाउंटर की जाँच कर रहा है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर मामले की सूचना मानवाधिकार आयोग को भी दे दी गई थी। जाँच के लिए SIT का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की सूची भी कोर्ट को दे दी। एनकाउंटर के वक्त घटना स्थल पर पलटी पुलिस की गाड़ी की तस्वीर है, विकास दुबे की लाश की तस्वीर, विकास दुबे ने जिन 8 पुलिस वालों की हत्या की उनके शवों की तस्वीर भी कोर्ट में जमा कर दी गई। हल्फनामे में यूपी पुलिस ने यह भी कहा कि भौती में जहां एनकाउंटर हुआ वहां आसपास कोई बसावट नहीं थी,
इसीलिए स्थानीय लोग गोलियों की आवाज सुनकर भी मौके पर नहीं आए। विकास दुबे पर पुलिस ने 6 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 3 उसे लगी। विकास दुबे के पैर में रॉड लगा हुआ था, लेकिन उसे भागने की कोई दिक्कत नहीं थी। वो 3 जुलाई को पुलिस कर्मियों को मारने के बाद बिकरू गांव से भी 3 किलोमीटर दौड़ता हुआ भागा था। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यूपी डीजीपी की तरफ से हरीश सालवे सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे थे। तो यूपी सरकार के एनकाउंटर को लेकर सफाई तो आपने सुन ली, आइए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो भी जान लेते हैं। मुठभेड़ में विकास दुबे के मारे जाने पर सियासत से लेकर सड़क तक सवाल तो पहले भी उठते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए जवाब मंगलवार तक दाखिल करने को कहा है। कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने संगीन अपराध का आरोपी विकास दुबे आखिर किन किन शर्तों पर, कब कब, कैसे कैसे जमानत पर आया, और जमानत पर आने के बाद उसने वही किया जिसका अंदेशा था। अब सरकार को ये जवाब दाखिल करने हैं और ये बताना है कि नोटिफिकेशन का खाका क्या होगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे एनकाउंटर क्या एक जैसे हैं या फिर दोनों में कोई फर्क है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का था। यूपी सरकार ने दोनों एनकाउंटर के बीच कई सारे फर्क गिना दिए, मगर एक सबसे अहम फर्क खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर एक महिला के साथ हुए बलात्कार के आरोपियों का हुआ था, जबकि विकास दुबे का एनकाउंटर उन पुलिस वालों ने किया जो विकास दुबे के हाथों मारे गए पुलिस वालों के सहकर्मी थे। विकास दुबे का मामला हैदराबाद एनकाउंटर से किस तरह अलग है? कानून व्यवस्था कायम करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। आप हमको मत बताइए कि विकास दुबे क्या था। यूपी सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही है या फर्जी। बहस के दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुठभेड़ सही थी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे पर 65 मुकदमे दर्ज थे और वो एक खूंखार अपराधी के साथ साथ 8-8 पुलिस वालों का हत्यारा था, लेकिन इन दिनों वो पेरोल पर बाहर था। सॉलिसिटर जनरल की इतना कहते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि आप हमें मत बताइए कि विकास दुबे क्या था, आप हमें उसके मुकदमे के बारे में बताइए। फिर उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि विकास दुबे पर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उसे जमानत क्यों दी गई। चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार से विकास दुबे के रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि विकास दुबे पर गंभीर अपराध के अनेक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वो जेल से बाहर था, ये सिस्टम की नाकामी है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही दांव पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि एक राज्य के तौर पर आपको कानून के शासन को बनाए रखना होगा, ऐसा करना आपका कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने विकास दुबे एनकाउंटर की तुलना हैदराबाद रेप केस के आरोपियों के एनकाउंटर से भी की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि ये बताया जाए कि ये दोनों एनकाउंटर अलग कैसे हैं। इस पर यूपी डीजीपी की तरफ से दलील रखते हुए हरीश सालवे ने कहा कि ये मामला हैदराबाद एनकाउंटर से कई मायने में अलग है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के भी मौलिक अधिकार हैं। क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है जबकि वो एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी? विकास दुबे ने बेरहमी से पुलिस वालों की हत्या की थी। मैटर में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी दिखाई कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस सिस्टम का इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, और उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की घटना में तात्विक अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जो सवालों के घेरे में है वो रूल ऑफ लॉ है। हरीश सालवे की इस दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे के एनकाउंटर में एक बड़ा फर्क है, वो ये कि हैदराबाद एनकाउंटर एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे के थे, जबकि विकास दुबे उन पुलिस वालों के सहयोगी पुलिसकर्मियों का हत्यारा था जिन्होंने उसका एनकाउंटर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यूपी सरकार से पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए आपने एक न्यायिक कमेटी बनाई है, क्या यूपी सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को शामिल करने के लिए राजी है? इस पर यूपी सरकार तुरंत तैयार हो गई। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित
नई न्यायिक कमेटी के सदस्यों के नाम यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। विकास दुबे जैसे अपराधियों के संबंध शासन से लेकर प्रशासन तक लगातार रहे हैं। आखिर ये साठ गांठ, ये गठजोड़, हुकूमतें आई और गईं, लेकिन इस गठजोड़ का कुछ नहीं बिगड़ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़े सवाल उठाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आखिर इतने संगीन मामलों के आरोपी विकास दुबे को जमानतें कब, कैसे और किन शर्तों पर मिली। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक तरफ विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट की रडार पर है, वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे की मौत के बाद अब उसके वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहे हैं। विकास दुबे का एक ताजा वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने गांव की गलियों में खड़ा होकर ऐलानिया कह रहा है कि दंगल तैयार है, हाय कोई पहलवान तो लड़ ले। विकास दुबे का ये सबसे ताजा वीडियो है, वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दंगल हाँ दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। गले में सोने की मोटी सी चेन, बनियान और अंडरवियर पहने गांव की गलियों में खड़ा विकास दुबे उंगली नचा नचा कर मस्ती कर रहा है। कह रहा है, दंगल हाँक दिया हमने, कोई पहलवान लड़ने वाला हो तो बताओ। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दूसरी ओर गांव का ही एक लड़का सेल्फी मोड में विकास दुबे का ये वीडियो शूट कर रहा है और आसपास खड़े लोग उसकी बातों पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। विकास दुबे का ये वीडियो महज उसके हंसी मजाक का एक वीडियो भर नहीं बल्कि गाँव में उसकी ठसक और खौफ का सबूत भी है। वीडियो में वो जिस अंदाज में हाथ हिला हिला कर दंगल का ऐलान कर रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं। असल में दंगल हाँक दिया हमने, कोई लड़ने वाला हो तो बताओ, ये कहने के पीछे भी विकास दुबे की यही भावना छुपी है। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। इससे पहले पिछले गुरुवार को विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने गुर्गे अमर दुबे की शादी में वर वधु को आशीर्वाद देता हुआ दिख रहा था। और तो और गैंगस्टर के गुर्गे की इस शादी में चौबेपुर थाने का दारोगा और बिकरू पुलिस चौकी का इंचार्ज केके शर्मा भी शामिल हुआ था जिसकी तस्वीरें इस वीडियो में कैद थी। और शादी के इस वीडियो में भी विकास दुबे कुछ ऐसी ही दबंगई भरी बातें कर रहा था। उसने वीडियो में खुद से दूर खड़े दारोगा केके शर्मा को अपने पास बुलाया और कहा, पास आओ, डरो नहीं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।